हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उनके लिए जो हमारे भाई इंडिया में काफ़ी परेशान हैं विदेश आने के लिए या फिर कोई भी गल्फ कंट्री आने के लिए, चाहे वो सऊदी हो या दुबई हो या ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, ये सब कंट्री आने के लिए काफ़ी परेशान हैं। और वो इंडिया में ऐसे ऑफिस सर्च कर रहे हैं कि भाई मैं कौन से ऑफिस से चला जाऊं और मैं कब चला जाऊं। भाई आप लोग कोई ऑफिस से नहीं आओ, अभी वेट करो जब तक के नॉर्मल फ्लाइट चालू नहीं हो जाता है। क्योंकि आप इस तरह से कोई सा भी ऑफिस में वीज़ा लगा देंगे और आपको एजेंट बोल देगा हाँ वही वीज़ा का काम चालू हो गया है और आप लोग काम कर सकते हैं और फ्लाइटें भी चालू हो गई है, आपको कुछ पता नहीं है। और आप बिना झिझक वीज़ा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप उनके पास पहुँच जाते हैं, लेकिन आपका काम होगा ही नहीं। 2-3 महीना ऐसी तरह से आपको टाइम खराब करेगा और आपका काम नहीं होगा। तो प्लीज मैं आप लोग को यही कहूंगा, जो भी ऑफिस वाला आपको बता रहा है कि सऊदी का काम चालू हो गया है या खुल गया है, तो मैं आप लोग को कहूंगा कि अभी सऊदी का काम नहीं खुला है, नहीं चालू हुआ है। वही लोग आ रहे हैं जिनका इंजीनियर का वीजा है, जिनका नर्स का वीजा है, डॉक्टर्स है, ठीक है, वो ट्रेडर्स का काम चालू है। बाकी जो भी लेबर कैटरी का वीजा है उनका कोई अभी ट्रेडर्स चालू नहीं हुआ है। ओके, तो कोई भी एजेंट या कोई ऑफिस वाला बोल रहा है कि नहीं आपका काम हो जाएगा, पासपोर्ट जमा कर दो और पैसे भर दो, मेडिकल कर लो, तो प्लीज आप लोग उन लोगों से बचे, ऐसा काम ना करे जो आपको फंसने की चांसेस रहता है। ओके माय फ्रेंड, तो आप लोग ऐसा काम ना करें, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं। 2 से 3 महीना आपको टाइम भी लग सकता है। तो आप लोग कोई ऑफिस में अभी काम ना करें, क्योंकि अभी रमजान में काम बंद हो जाता है हर एक कंट्री के लिए, जितनी भी गल्फ कंट्री है। तो हम लोग ज्यादातर अप्लाई गल्फ कंट्री के बारे में ही करते हैं काम। तो हम लोग को इस बात का ख्याल रखना है कि माहे रमजान में भी आपको कहीं पे पासपोर्ट या वीजा का काम नहीं करना है, या फिर वीजा नहीं लगाना है, मेडिकल नहीं करना है, आपको अपने घर में बैठना है। ओके, तो इसी तरह से अदरवाइज कोई भी कंट्री में आप काम करते हैं तो मई के बाद आप काम कर सकते हैं। उससे पहले कोई भी काम करेंगे तो इसमें फंसने के चांसेस रहता है और आपका काम नहीं होगा और आपका मेडिकल का भी एक्सपायर हो जाएगा। ओके, और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो अपने पैसे को सेव कीजिए और सुरक्षित रहिए और ये सब एजेंटों से बचिए, नहीं तो फिर आपका पैसा भी डूबेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ओके माय फ्रेंड, बाकी आप खुद समझदार है आपको क्या करना है, लेकिन आप समझ ले, मैं ये वीडियो में आप लोग को यही गाइड करूंगा कि आप लोग कहीं पे अभी काम ना करें। माहे रमजान के बाद आप अप्लाई या फिर उसका प्रोसेस कर सकते हैं या मेडिकल कर सकते हैं। कि विजिट में प्लीज आप लोग ना आए, अगर आप दुबई में विजिट में आते हैं 1 मंथ के वीजे में तो आपको फंसने के चांसेस रहते हैं। जैसा आपको पता भी होगा काफी सारे बंदे अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी वहां से वापस जा रहे हैं अपना टिकट मार के और फाइन मार करके। तो कभी भी आप 1 महीने का वीजे में दुबई ना आए, अगर आप 1 मंथ के वीजे में सिंगल टूरिस्ट में आते हैं तो आपको उसमें फंसने की चांसेस भी रहता है। तो दुबई का काम कोई भी ट्रेवल वाले से, कोई भी एजेंट से आप ना करें, नहीं तो आपको फंसने की चांसेस रहता है। ओके, फिर आपका पैसा भी चला जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा अब ये भी पता नहीं है, तो आपको फंसने के चांसेस रहता है। कोई आपको गारंटी के साथ भी बोलता है कि 101% आपका 1 मंथ में वीजा लगा दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कुछ समझ ले, अगर आपको आना ही है तो 3 मंथ के वीजे में आप लोग विजिट लेके दुबई आ सकते हैं, लेकिन वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, या फिर आपका कोई कजन वहां पे रहता है तो आप उनके पास जाकर के वीजा लगवा सकते हैं, या फिर आपने पहले ही बात कर लिया होगा या फिर डील कर लिया होगा तो आप वहां पे जा सकते हैं और आप अपना काम खुद ढूंढ के लगा सकते हैं। जो भी एजेंट यहाँ से बुला लेते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं आप आ जाओ और मैं आपका वीजा लगा दूंगा और आपका काम हो जाएगा, 1 महीने के वीजे में आ जाओ या 3 महीने के वीजे में आ जाओ, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है। जब आप यहाँ पे आते हो उसके बाद आपको लेके जाता है, काम ढूंढता है, उसके बाद फिर आपका वीजा लगाता है, उससे पहले कुछ नहीं करता है। और
आपसे पूरा पैसा ले लेता है, जब टाइम खत्म हो जाता है, ओवरस्टे हो जाता है, तो फिर आपको इंडिया इन आउट कर देता है, आपको कहता है कि आप इंडिया चले जाओ, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा वीजा भेजूंगा, तब आप आ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग काम करने के लिए आए हैं, कोई घूमने के लिए नहीं आए हैं, तो आप लोग इन आउट होंगे फिर आप इंटर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मैं यही कहूंगा कोई अप्लॉयमेंट वीजा हो या फिर कोई कंपनी का वीजा हो या अप्लॉयमेंट आप वहीं से स्टिकर वीजा लगा के आते हैं तो फिर आप कर सकते हैं काम, कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप 3 महीने के वीजे में आते हो, विजिट में आते हो, तो कभी जिंदगी में आपका वीजा नहीं लगेगा। 99% वीजा नहीं लगता है, 1% हो भी सकता है। ओके, मैं इसका कोई गारंटी और कोई सजेशन या कोई गाइड नहीं करूंगा कि आप लोग 1 महीने के वीजे में या 3 महीने के विजिट ले खत्म हो जाएगा और आपका वीजा भी नहीं लगेगा और आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो प्लीज आप ये सब चीजों को समझ ले, ध्यान रखें कि कोई भी एजेंट से ये काम, विजिट का काम करे ही नहीं पहले तो। ओके, आपको अप्लॉयमेंट का काम करना है, भले आपको 2 से 3 महीना टाइम लगता है अप्लॉयमेंट में, तो आप वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं, आप डायरेक्ट अपनी कंपनी में पहुंच सकते हैं। आपको जो भी ट्रेडर का वीजा मिला है वो काम में जाके आप पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा और आपको वीजा, स्टिकर, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीमेंट में साइन करके आप आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे और दुबई आकर के कोई भी कंपनी में जाके डायरेक्ट काम उठाना पड़ सकता है। तो आप ये सब चीज को समझ ले, उसके बाद वीजा का काम करे, नहीं तो फिर आप नहीं करे तो बेहतर है अप्लॉयमेंट में काम करे। ओके माय फ्रेंड, था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें उन भाइयों तक जो भाई हमारे दुबई के काम, विजिट के काम करते हैं और फंस जाते हैं और परेशान होते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि मुझे तो करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़।